हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेस में आपका स्वागत। हमारा जो पिछला टॉपिक चल रहा था वो था सिंधु घाटी सभ्यता की। हमने सामाजिक जीवन के बारे में बात कर रहे थे। आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीन संस्कृति है और इस संस्कृति के जो आधार हैं वो पुरातात्विक अवशेष है और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर ही इस संस्कृति को आद्य ऐतिहासिक संस्कृति कहा जाता है, आप जानते हैं जी। और जहां हम साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं तो साहित्यिक स्रोत अभी इस संस्कृति की जानकारी के विषय में मौन है। क्यों? क्योंकि सिंधुवासियों की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। इस कारण से हमें सिंधु संस्कृति के जो विविध पक्ष हैं, चाहे वो आर्थिक पक्ष हो, चाहे वो उनके राजनीतिक पक्ष हो या धार्मिक पक्ष हो या उनका सामाजिक जीवन का पक्ष हो, ये जो चारों क्षेत्र हैं इनका जानकारी का मुख्य आधार हमें पूरी रूप पूर्णतः पुरातत्व सामग्री पर ही निर्भर होकर हम इस संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। आप जानते हैं 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व जो रेडियो सी 14 कार्बन विधि है उससे इस संस्कृति की प्राचीनता का हमें पता लगता है। हम आज बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में। सिंधुवासियों के आर्थिक जीवन के बारे में जो खुदाई से, जो पुरातत्व से, उत्खनन से जो सामग्रियां मिली है उन सामग्रियों को एकत्र करके, संग्रहित करके और हमें इनके आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इसके अतिरिक्त सिंधु नगरों की के उत्खनन से जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं उन अवशेषों के आधार पर सिंधु संस्कृति की विविध अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहला, सिंधु घाटी वासियों का या सिंधु लोगों के जो जीवन का मुख्य उद्यम था वो था कृषि। वो कृषि करना जानते थे। कृषि में गेहूं, जो तिल इत्यादि की वो खेती किया करते थे और खेती के मार्फत अन्य फलों के अंदर जैसे नारियल, खजूर, अनार, नींबू इत्यादि फलों को भी वो उगाया करते थे या बोया करते थे। ये सब पुरातात्विक अवशेष हमें प्राप्त होते हैं जो सिंधु नगरों में जो बर्तन मिले हैं, निर्माण मिले हैं उनके अंदर जले हुए गेहूं और जौ के दानों का मिलना इस ओर संकेत करता है कि सिंधुवासी जो थे उनका मुख्य उद्यम कृषि था, मुख्य उद्यम। दूसरा, पशुपालन। सिंधुवासी पशुपालन भी किया करते थे, जैसे गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते, सुअर इत्यादि पशुओं को वो पाला करते थे। इनके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है जो सिंधु संस्कृति के जो बर्तन मिले हैं, जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं उन अवशेषों पर इन पशु चित्रों का अंकन होना या दिखाना ये चीज प्रमाणित करता है कि सिंधुवासी कृषि के साथ में पशुपालन भी किया करते थे। तीसरा, अगर हम उनके उद्योग धंधों की बात करें, आर्थिक जीवन का एक पक्ष है उद्योग धंधे। सिंधु संस्कृति के आर्थिक जीवन में जो उद्योग धंधे, जो लघु उद्योग धंधे, जो कुटीर उद्योग धंधे जो थे उन उद्योग धंधों में था जैसे कपड़े बुनना, उनका वो सूती वस्त्र बुना करते थे, कपड़ा बुनना का व्यवसाय उनके उद्यम में आता था। इसके अलावा जैसे अन्य जो कुटीर उद्योग हैं जैसे निर्माण, मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी के जो है वो औजार या खिलौने बनाना, पाषाण के उपकरण तैयार करना, ये सब चीज़ें हमें पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर जो खुदाई में मिली है, जो मोहरें मिली हैं, मृदभांड मिले हैं उनके ऊपर जो अंकन दिखाई देता है वो सब चीज़ें हमें सिंधुवासियों के आर्थिक जीवन के पक्ष को भी प्रदर्शित करती है। तो हमने सिंधुवासियों के आर्थिक जीवन के बारे में जो बात की है और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो सिंधुवासियों के जो आर्थिक जीवन में जो व्यापार वाणिज्य था उसका मुख्य आधार, क्योंकि मुद्राएं नहीं थी तो वस्तु विनिमय द्वारा उनका व्यापार संचालित होता था। व्यापार की वो वस्तु विनिमय के माध्यम के आधार पर संचालित किया जाता था। इसके अतिरिक्त कई शिल्प उद्योग धंधों के भी
अस्तित्व होने का हमें पुरातात्विक सामग्रियों से पता चलता है। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, बर्तनों का निर्माण करना, पाषाण उपकरणों का या पाषाण उपकरणों या औजारों का निर्माण करना, ये सब हमें चीजें, और लकड़ी का व्यवसाय के भी, जैसे बच्चों के खिलौने वो हमें मिले हैं, वो लकड़ी के बच्चों के खिलौने हमें पुरातात्विक रूप में मिलते हैं। और अन्य जो है, जैसे जो बर्तन है, तस्तरियां हैं, कटोरे हैं या अन्य औजार हैं, इसके अतिरिक्त जैसे आभूषण है, आभूषण निर्माण में भी वो सिद्धस्थ है। वस्तु विनिमय व्यापार का मुख्य आधार है, और संभवतः जो खुदाई के अंदर जो डॉकयार्ड मिले हैं, जो बंदरगाह मिले हैं, उनकी खुदाई के आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु वासियों का जो व्यापार था वो जल मार्ग और थल मार्ग द्वारा संचालित होता था। इस प्रकार ये जो उपयुक्त सभी बिंदु हैं, ये बिंदु हमें सिंधु संस्कृति के आर्थिक पक्ष को हमें दिखलाते हैं, बतलाते हैं, उसके बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां हमें सिंधु संस्कृति के आर्थिक जीवन के बारे में पता चलती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको दोबारा इस टॉपिक को, सिंधु वासियों का आर्थिक जीवन का मुख्य उद्यम कृषि था। कृषि में गेहूं, जो इत्यादि फसलों को बोना, उगाना और कपास की खेती भी वो किया करते थे। इसी कारण इस संस्कृति के लोगों को सिंधन भी कहा जाता है। ये विशेष आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। कृषि के अतिरिक्त पशुपालन में वो सिद्धस्थ थे। गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता इत्यादि पशुओं को पाला जाता था, और उनके द्वारा जो इन पशुओं को पालने के पीछे जो मुख्य जो उनका उद्देश्य था वो ये था कि इन पशुओं के द्वारा इनका प्रयोग वो खेती के लिए भी किया करते। अधिकांशतः जैसे जो खुदाई के अंदर मोरे या बर्तन मिली हैं उनके ऊपर इन सब पशुओं के चित्र अंकित हैं। तीसरा, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र का निर्माण करना ये सिंधु वासियों का एक उद्यम था, एक व्यापार था। शिल्प उद्योग धंधे, जो कई प्रकार के छोटे छोटे जैसे मिट्टी के बर्तन है, लकड़ी के खिलौने बनाना है, आभूषणों का निर्माण करना है, ये सब हमें पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर पता चलता है। और मुख्य, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुद्राएं नहीं थी, केवल वस्तु देकर वस्तु को लिया जाता था, और इसी आधार पर सिंधु वासियों का व्यापार संचालित होता था। तो सारांश से मैंने आपको सिंधु वासियों के आर्थिक जीवन के बारे में विविध बिंदुओं के अंतर्गत हमने इस वीडियो में चर्चा की है, और आप इसी के जरिए जो आपको मछली लाइन सरस्वती विश्वविद्यालय का एग्जाम देना है उसमें आप इन बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए अपनी बात वहां पर आप लिख सकते हैं। हम अगले वीडियो में बात करेंगे सिंधु वासियों के धार्मिक जीवन के बारे में। जय हिंद, जय भारत।